देखो मार्केट में खबर ये फैल रही कि भाई राघव जुआल में घमंड आ गया, सलमान खान के साथ काम करने के बाद उनके तेवर बदल गए हैं, सलमान जैसा एटीट्यूड दिखाना चाह रहे हैं। मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि अबे उल्टे पिछवाड़े के लोग हो, तुम्हें पूरी बात का पता है नहीं, किस लिए गाली दी थी, किसको गाली दी थी, लेकिन तुम राशन पानी लेके अपना पूरा चढ़ गए लोंडे के ऊपर कि हाँ अब तू स्टार बन गया है तो हमसे पंगा लेगा। पूरी बात सुनो पहले, राघव जुआल अपने एक शूट के बीच में थे एंड देन ही गोट टू नो कि उनके फैंस बाहर आए हुए हैं बहुत सारे। भाई कोई सेलिब्रिटी जाके नहीं मिलता अपने फैंस से, ऐसे इवेंट आउट अपने फैन से मिला और काफी मिलने के बाद एक फैन ने उनसे जिद की कि मुझे आपका ये जैकेट चाहिए। अब कौन देता है मेरे को बताओ, तुम कमेंट करके चलो बता दो कि फैन ने आपसे अपने कपड़े दे दिए। हाँ एक बार मैंने विद्युत जामवाल को देखा था जब उसने अपना जैकेट निकाल के फैन को दे दिया था, अदरवाइज आई हैवंट सीन इट। भाई राघव जुआल ने अपना जैकेट निकाल कर दिया सारा क्राउड शूट के बीच में एंड देन एक बंदा और घुसा सेल्फी लेने के बहाने एंड ही ट्राइड, उसने कोशिश की कि घड़ी भी निकाले। वीडियो में आप साफ देख भी रहे होंगे इस मोमेंट को, राघव जुआल ने उसको धक्का दिया, गाली दी और उसके बाद आप देखोगे कि वो घड़ी उनकी उंगलियों तक आ गई थी। राघव जुआल ने वो घड़ी पहनी और फिर गुस्से से लुक दिया। भाई उनके गार्ड्स ने धक्का वक्का देके उनको बाहर भेज दिया। अब सोशल मीडिया पे वीडियो क्या वायरल हो रही है कि राघव जुआल सीधा फैन को धक्का देके बोल रहे हैं कि बहन चुप पागल है क्या। भाई पूरी कहानी समझो और फिर देखो कौन सही है कौन गलत, एवं सोशल मीडिया के बहकावे में मत आओ। नाउ यू हैव सीन कंप्लीट स्टोरी, अब आप बताओ यहाँ पर। भाई जब फैंस अपनी हदें पार कर दें तो स्टार को कुछ तो बोलना पड़ेगा ही। देखिए स्टार को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, फैंस को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। बाकी यार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ भी रही हैं आजकल, काफ़ी एक्टर एक्ट्रेस जो है उनका कहना है कि भैया ऐसे गैदरिंग में जाते हैं कुछ ना कुछ निकल जाता है, कुछ स्टार हैं वो अवॉइड करते हैं बोलने से कि नहीं भाई जो होता है फैंस हैं उनसे लिया है, उन्होंने दिया है नो प्रॉब्लम, अगर उन्होंने ले भी लिया तो। बाकी आप अपनी राय जरूर कॉमेंट करके बताएं, मिलता हूँ आपसे जल्द, बाय बाय।